सवाल करने वाले पूछते हैं सर कि जब आप अपनी मूवी कोई रेडी करते हो कि अब आई हैव टू मेक अ मूवी, तो आप अपनी स्टार की कास्टिंग करते होंगे, तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है, क्या चीज़ आप सोचते हो अपना एक्टर चूज करने में, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। देखो सबसे पहले जब मैं लिखता हूँ वो कहानी है पूरी, एक्टर को कास्ट करना लगभग एक लास्ट स्टेज पे आता है, किरदार क्या है और लेंथ क्या है, क्योंकि जब भी किसी कलाकार को आप बात करोगे तो उन्हें उनका रोल और उनका टाइम डिफाइन करना पड़ता है कि वो पूछ लेते हैं साहब कुछ लोग अच्छे उमदा कलाकार हैं कि मेरे कितने सीन है फिल्म में। अच्छा। अब जब वर्कआउट ही नहीं किया होगा कि कितने सीन है तो फिर कैसे बताओगे। अच्छा, और कुछ लोग तो जो बहुत हार्ड ऑन शेड्यूल होते हैं, मेरे कितने दिन का काम है, अब वो आपको वर्कआउट करके रखना पड़ता है आपको ऑलरेडी कि इतने दिन का काम है जी, इतने सीन है जी, और फिर पूछते हैं अच्छा मेरा कहाँ काम है, क्योंकि कभी कभार आप कुछ कलाकारों से बात करो वो शहर में होते ही नहीं है, वो कहीं बाहर है, बोल देते हैं मैं इंडिया में ही नहीं हूँ या मैं चंडीगढ़ में ही नहीं हूँ तो मैं आऊंगा ही इस तरीके को, तो कभी कभार आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट ही वही हो जाती है। कलाकार मुझे वो लगता है कि जिसकी किस्मत में फिल्म आती है वो ये है कि जिसका कमिटमेंट लेवल उस फिल्म को लेके बहुत हाई हो, जो कमिट कर पाए कि हाँ ये डेट्स हैं और ये मैं काम कर सकूँ। और कुछ लोग होते हैं जो इच्छुक होते हैं, उनके पास ऐसे कोई डेट्स का इशू नहीं होता, बट वो काम को लेके बहुत पर्टिकुलर होते हैं। अच्छा। कि हम काम थोड़ा करें पर बहुत अच्छा करें, क्योंकि हमने तो लिख दिया ना किरदार ऐसा होना चाहिए, उसको जीने का काम वो कलाकारों ने करना है, एक्टर्स एक्ट्रेसेस चाइल्ड आर्टिस्ट जो भी हर लेवल की एज ग्रुप के, तो वो अपने एक सेट पे एनर्जी लेके आते हैं और वो आपकी स्क्रिप्ट को बेहतर भी बना सकते हैं। कुछ लोग न्यू कमर्स होते हैं वो फ्रेशनेस लेके आते हैं, और जो एक्सपीरियंस होते हैं वो अपना तजुर्बा लेके आते हैं, तो बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड सीन्स हैं कभी कभार बतौर निर्देशक मुझे महसूस भी नहीं होता होगा कि यार इतना इंटेंस सीन था या इतना जितने युवा हैं कहते हैं खतरनाक सीन था, है ना, तो उसमें वो जान डाल देते हैं। और भी हम कुछ मजेदार लेके आए हैं और वो है हमारा RFE ऑफिशियल मर्चेंडाइज, उसका लिंक जो है आई थिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जहाँ पे भी ये वीडियो देखने के लिए आपके पास अवेलेबल होगी तो वो लिंक भी आपको साथ में मिलेगा। नहीं, सबसे पहली अनाउंसमेंट तो ये है कि रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट का जितना भी कॉन्टेंट है, जितनी भी मूवीज पॉडकास्ट टॉक शोज, सारा कुछ अब आपके लिए अवेलेबल है देखने के लिए rollingframesentertainment.com पर, और ये बिल्कुल फ्री टू वॉच कंटेंट है। बहुत कुछ आने वाला है RFE की तरफ से, ऑल यू नीड टू डू इज टू स्टे ट्यून्ड इन एंड देखते रहो, जो भी अपडेट्स आती रहती हैं, जो भी अनाउंसमेंट होती रहती हैं, उनके लिए हमारे साथ जुड़े रहें। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आस्क ओजस्वी।